माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी का। दूसरे दिन के अध्ययन में हम भ्रौणिकी के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। कल भी अपन ने 5 सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था। आगे के सिद्धांतों का आज हम अध्ययन करेंगे और साथ में हम अध्ययन करेंगे स्कोप ऑफ डेवलपमेंट परिवर्धन जैविकी का व्याप्ति क्षेत्र एरिया। तो कल हमने अध्ययन किया था भ्रौणिकी के सिद्धांतों में पूर्व रचना सिद्धांत, प्रीफॉर्मेशन थ्योरी, संकोचन सिद्धांत, निकोलस डी मालब्रेंच थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, अनुजनन सिद्धांत विलियम हार्वे, प्राथमिक जनन स्तर अवधारणा प्राइमरी जर्म लेयर कंसेप्ट पांडार के द्वारा दी गई थी, बेर का सिद्धांत एंड जाति आवर्तन या पुनरावर्तन का सिद्धांत, बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी जो मोलर व एकल के द्वारा दी गई थी। आज हम अध्ययन करेंगे जर्म प्लाज्म थ्योरी। ये सिद्धांत ऑगस्ट वीजमान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑगस्ट वीजमान ने अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बताया कि प्राणी परिवर्धन के दौरान भ्रूण में जनन कोशिकाएं व कायिक कोशिकाएं, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ऑगस्ट वीजमान ने क्या बताया कि प्राणी परिवर्धन के दौरान, एनिमल्स के डेवलपमेंट के दौरान, उसके भ्रूण में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, जर्म सेल एंड सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल से केवल सोमेटिक स्ट्रक्चर्स का निर्धारण होता है, केवल कायिक संरचनाएं निर्धारक होती है। अतः कायिक कोशिकाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, वंशागत नहीं होती। कायिक कोशिकाओं में भी निर्धारकों का वितरण होता है। कोशिकाएं अपने में स्थित विशिष्ट निर्धारकों के अनुरूप परिवर्धित होती है। जैसे कुछ कोशिकाएं रक्त का निर्माण करती है तो कुछ कोशिकाएं केवल मांसपेशियों में ही डेवलप्ड होती है, जबकि जर्म सेल्स में ऐसा नहीं होता। जर्म सेल्स में सभी डिटर्मिनेंट्स पाए जाते हैं। अतः ये स्वयं के समान अन्य जर्म कोशिका तथा सोमेटिक सेल्स का उत्पन्न करने में सक्षम होती है, अर्थात उत्पन्न करती भी है। अतः जर्म कोशिकाएं पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखती है। इसलिए इन दिस थ्योरी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी, अर्थात इस सिद्धांत को जर्म प्लाज्म की सत्ता का सिद्धांत भी कहते हैं। वीजमैन के इस सिद्धांत से मोजेक परिवर्तन को बल मिला। मोजेक, जिसको कि हम एक तरह से जायगोट की बाद की स्थिति कह सकते हैं, मोजेक में स्थित निर्धारक जिसको हम ब्लास्टुला बोलते हैं, इसमें समस्त प्रकार की कोशिकाओं के डिस्ट्रीब्यूट पाए जाते हैं, जिन्हें ब्लास्टोमियर्स में एक ही निर्धारक पाया जाता है। अर्थात ब्लास्टुला में पाए जाने वाली ब्लास्टोमियर्स में एक ही निर्धारक पाया जाता है। अतः कोरक के किसी कोरखंड को पृथक कर देने पर उस कोरखंड से संबंधित अंग का निर्माण भ्रूण के विकास में नहीं होगा। मतलब संपूर्ण कोरक से किसी जीव का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, उस कोरक में कोरक कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स पाई जाती है और एक एक ब्लास्टोमियर्स में एक एक ही निर्धारक पाया जाता है। अब उस कोरखंड में से किसी भाग को अपन ने निकाल दिया, एक कोशिका को, तो कहने का मतलब है कि उस कोशिका से भ्रूण के जिस अंग का निर्माण होगा
उस अंग का निर्माण अब नहीं होगा। इस प्रकार के एनिमल डेवलपमेंट को मोज़ेक डेवलपमेंट कहा जाता है। विलियम रॉक्स के समर्थन में प्रयोगात्मक भ्रूणिकी को नया रूप प्रदान मिला। रॉक्स ने मेंढक के जायगोट में प्रथम विलयन से उत्पन्न दो कोशिकाओं में से एक कोशिका को गर्म सुई से नष्ट कर दिया और शेष कोशिका से सामान्य भ्रूण का विकास नहीं हुआ, अर्थात द्विकोशिकीय अवस्था टू सेल स्टेज में ही कोशिका का भाग्य निर्धारित हो जाता है। इससे मोज़ेक थ्योरी को पूर्ण समर्थन मिला। नेक्स्ट थ्योरी अपनी नियमनकारी परिवर्धन सिद्धांत रेगुलेटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये सिद्धांत मोज़ेक सिद्धांत के विरोध में हैंस ड्रिच नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार प्रत्येक कोशिका में संपूर्ण भ्रूण को बनाने की क्षमता पाई जाती है। हैंस ड्रिच ने क्या कहा कि प्रत्येक कोशिका में संपूर्ण भ्रूण को बनाने की क्षमता पाई जाती है। इसने ये अपने प्रयोग सी अर्चिन के जायगोट से प्रथम विलयन से उत्पन्न दो कोशिकाओं को पृथक करने पर दो सी अर्चिन विकसित होती है ऐसा बताया। क्या बताया इसने कि सी अर्चिन का जायगोट से प्रथम विलयन के बाद जो दो कोशिकाएं होती है उन दो कोशिकाओं को अलग भी कर दिया जाए तो दो अलग अलग जीव का निर्माण होता है। उसने बताया मानव में एक जायगोट से उत्पन्न दो कोशिकाओं को पृथक करने पर होमोजाइगस आइडेंटिकल ट्विन्स समयुग्मजी जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। इस प्रकार का परिवर्धन नियमनकारी परिवर्धन रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहलाता है। इस क्रम में हमारा नया सिद्धांत आता है प्रवणता सिद्धांत ग्रेडियंट थ्योरी। ये सिद्धांत बोवेरी चाइल्ड ऑलपोर्ट जैसे वैज्ञानिकों ने मॉर्फोजेंस के संबंध में दिया, आकारी जन के संबंध में प्रवणता का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार मॉर्फोजेंस अपने उत्पत्ति के स्थान से दूर तक विस्तृत होकर अपनी सांद्रता की एक सतत परत स्थापित करते हैं। इन कारकों हेतु मॉर्फोजेंस जो शब्द दिया वह मैकलियन हॉल नामक वैज्ञानिक ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार जो मॉर्फोजेंस होती है उनकी सांद्रता सोर्स एज के निकट सर्वाधिक होती है और दूरी के साथ साथ घटती जाती है, अर्थात इनकी सांद्रता के अनुरूप कोशिकाएं भ्रूण में अपनी स्थिति निर्धारित करती है। ऐसा माना जाता है कि अंडाणु के एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर अक्षीय प्रवणता पाई जाती है। एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ अर्थात प्राणी ध्रुव से पीतक ध्रुव की तरफ। हॉर्स टेडियस तथा रनर स्ट्रोम के अनुसार अंडाणु के प्राणी ध्रुव से पीतक ध्रुव की ओर सक्रिय प्रवणता पाई जाती है और पीतक ध्रुव से प्राणी ध्रुव की ओर अल्पक्रिय ध्रुवता पाई जाती है। चाइल्ड ने यह भी बताया कि अंडाणु में प्राणी ध्रुव से पीतक ध्रुव की ओर उपापचय प्रवणता पाई जाती है। प्राणी ध्रुव में केंद्र की उपस्थिति से कोशिका द्रव्य अति सक्रिय होता है। नवा एंड लार्ज सिद्धांत भ्रूणिकी के संदर्भ में संगठन का सिद्धांत जिसको ऑर्गेनाइजर थ्योरी भी कहा जाता है। ये सिद्धांत एंस स्पीमान तथा हिल्डेमैन गोल्ड द्वारा 1924 में दिया गया। बहुत अच्छा आधुनिक सिद्धांत है। हेल्डे मैनगोल्ड की मृत्यु 26 वर्ष की आयु में हो गई थी और डॉक्टरल के शोध ग्रंथ के आधार पर इनको नोबल पुरस्कार दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजर थ्योरी भ्रूण उत्तक अपने समीपवर्ती उत्तकों को एक विशिष्ट पथ पर विभेदन हेतु प्रेरित करते हैं, अर्थात जो भ्रूण के अंदर जो उत्तक होते हैं वह भ्रूणीय उत्तक अपने समीपवर्ती अपनी नज़दीक में जो उत्तक है उनको एक विशिष्ट पथ पे एक विशिष्ट अंग के निर्माण के लिए विभेदन हेतु प्रेरित करते हैं।
प्रेरित करने वाले ऊतकों को प्रेरक तथा प्रेरित होने वाले ऊतकों को रेस्पोंडिंग टिश्यू प्रभावी ऊतक कहते हैं और इन प्रेरकों को ही ऑर्गेनाइजर्स कहा जाता है। ऑर्गेनाइजर्स किसे कहते हैं? इन प्रेरकों को, इसलिए इसका नाम ऑर्गेनाइजर थ्योरी पड़ा। भ्रूण परिवर्तन के दौरान नोटोकॉर्ड अपने ऊपर स्थित एक्टोडर्मल कोशिकाओं को तंत्रिका नाल निर्माण के लिए तंत्रिका भवन न्यूरुलेशन के लिए प्रेरित करता है। अतः यहाँ नोटोकॉर्ड को प्रेरक कहेंगे और एक्टोडर्म को प्रभावी ऊतक कहेंगे। इस सिद्धांत के संदर्भ में स्पीमान ने अपने प्रयोग न्यूट पर किए थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये। स्पीमान ने आर्मी गेस्टला में स्थित ब्लास्टोफोर का जो डोर्सल लिप होता है वही केवल सव विभेदन हेतु दर्शाता है, अन्य गेस्टुला के अन्य अंगे वह सब डोर्सल लिप से स्टार्ट होते हैं। तो डोर्सल लिप को प्राथमिक ऑर्गेनाइजर, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर माना गया। स्पीमान तथा मैंगोल्ड ने न्यूट की दो भिन्न प्रजातियों के मध्य विषम प्रतिस्थापन किया। इसके डोर्सल लिप डोर्सल एक्सिस और न्यूरल ट्यूब को प्रेरित करता है। डोर्सल लिप होता है वह डोर्सल एक्सिस और डोर्सल ट्यूब को प्रेरित करता है जिसे प्राथमिक भ्रूणीय प्रेरण कहा जाता है और डोर्सल लिप को प्राथमिक ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। स्पीमान तथा इसके छात्रों ने अपने प्रयोग के लिए सेलामेंडर के भ्रूण का उपयोग किया। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। स्कोप ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी, स्कोप ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी की व्याप्ति। परिवर्धन जैविकी जैविकी का सर्वाधिक विकासशील व रुचिकर विषय अर्थात बायोलॉजी के अंतर्गत परिवर्धन जैविकी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डेवलपमेंट बायोलॉजी विज्ञान की अन्य शाखाओं जैसे फिजियोलॉजी कार्य की, सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान, जेनेटिक्स आनुवंशिकी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आणविक जैविकी को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। कौन? डेवलपमेंट बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी। परिवर्धन जैविकी उन व्यक्तियों के लिए एक विस्तृत विषय जो जैविकी के विभिन्न स्तरों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो बायोलॉजी के विभिन्न स्तरों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए परिवर्धन जैविकी एक विस्तृत विषय। विभिन्न रोगजनकों के परिवर्धन को समझकर उनसे उत्पन्न रोगों का निदान किया जा सकता है। इसके अंतर्गत विभिन्न रोगजनक उनके परिवर्धन को समझकर कि वह कैसे डेवलप्ड होते हैं उनसे होने वाले रोगों का निदान किया जा सकता है, उन रोगों को मिटाया जा सकता है, उनके डेवलपमेंट को रोका जा सकता है आदि आदि। परिवर्धन जैविकी को समझने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री सहित अन्य शाखाओं को भी जानना आवश्यक है कि किस प्रकार उच्च नस्लों को उत्पन्न किया जा सकता है। परिवार नियोजन हेतु साधनों की जानकारी के साथ ही मानव जाति के उत्थान में परिवर्धन जैविकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनुष्य के लिए भी परिवर्धन जैविकी एक इम्पोर्टेंट विषय है। इसके अंतर्गत हम परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी प्राप्त करते हैं, साथ में मनुष्य के भी भ्रूण का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है वह सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम अध्ययन की जाती है। परिवर्धन जैविकी का विस्तृत अध्ययन हम इसकी विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत करते हैं, जैसे वर्णनात्मक भ्रूणिकी डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, तुलनात्मक भ्रूणिकी कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, प्रयोगात्मक भ्रूणिकी एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, विरूपता विज्ञान टेरेटोलॉजी, रसायन भ्रूणिकी केमिकल भ्रूणिकी केमिकल एम्ब्रियोलॉजी, प्रजनन जैविकी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी आदि का अध्ययन हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं के रूप में करते हैं। थैंक यू माय स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये डेवलपमेंट बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का
सेकंड डे का वीडियो है। थैंक यू वेरी मच।